नमस्ते इंडिया, बलराम किसान है और आप ऑक्सीजन पार्क में। आज मेरे साथ कुछ गेस्ट हैं धुलिया से। नमस्ते सर। नमस्ते। अपना परिचय देंगे कहाँ से हैं ताकि पूरा भारत देखे O2 पार्क के लिए कौन कौन कहाँ से आ रहा है। जी, धुलिया से आया हूँ। जी धुलिया। हाँ हाँ, फिजियोथेरेपी की प्रैक्टिस करते। ओके बंधु, आप कैसे जुड़े बलराम से? मेरा नाम इंद्रेंद्र सुरेश यादव, मैं भी धुलिया महाराष्ट्र से। मैं सर को एक साल से फॉलो कर रहा हूँ। अच्छा। चैनल से और O2 ऑक्सीजन अपना जो चैनल है। ओके, O2 पार्क भी रीड कर रहे हैं। हाँ। एक्चुअली दो चैनल हैं, एक किसान पाठशाला है और एक O2 पार्क है, O2 माय अड्डा। हाँ। बैम्बू जो है, आप यहाँ पर हम इसलिए आए हैं कि ये सारी वेराइटीज़ जो देखोगे ना, ये लगभग 21 वेराइटी का प्लॉट है एक एकड़ का। इसमें हम डिसीजन ले सकते हैं कि हम कौन सी वैरायटी का बांस लगाएं, कौन सी वैरायटी का न लगाएं, ताकि हमें सारा ही समझ में आए कि हम किस दिशा में आगे बढ़े। ओके, ये जो नए सूट दिख रहे हैं ना, ये इसी साल के हैं और इनको अभी समझ लो 60 दिन 65 दिन 70 दिन हुए होंगे। ये जो भी नए सूट दिख रहे हैं, ये 40-40 फीट के जो हो गए, ये इसी साल के। इस साइट को 5 साल हो गए हैं। अच्छा। अब छठा रनिंग है। जी सर, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। ये वैरायटी है ब्रांडीशाही, चौड़े पत्ते आएंगे ब्रांडीशाही के। और काका, ये पकड़ पाओगे? ये स्विच ऊपर है, इसको दबाना नहीं, केवल यहाँ पर पकड़ के रखना है, ये स्विच नहीं दब जाए। ठीक है, इधर से पकड़ लो, एक हाथ यहाँ पर रख लो और जो बात करे उसकी तरफ रखना। ये है ब्रांडीशाही, इसका जो चौड़ा पत्ता आता है ना, मतलब आप समझ लो जिसका भी चौड़ा पत्ता है उसको पानी ज़्यादा ज़्यादा लगेगा, इसको पानी ज़्यादा लगता है। और ये 7 से 8 साल में पूरा साइज में आना चालू होगा। साइज इसका बहुत अच्छा बनता है, हाइट अच्छी बनती है, कह सकते हैं बैम्बू भी अच्छा है। लेकिन क्या हम 7 साल इंतज़ार कर सकते हैं? तो ब्रांडीशाही पे जाना है। क्या हमारे खेत में मिट्टी जो है उसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है ज़्यादा? तो ब्रांडीशाही पे जाना चाहिए। क्या हमारे पास पानी ज़्यादा है? तो ब्रांडीशाही पे जाना चाहिए। मतलब वो क्वेश्चन के आंसर मिले तो हमें इधर जाना चाहिए। ये वेराइटी है येलो वलगरी, ये आप देखेंगे कि इसका अभी का सूट है, इस साल का। क्या बात है, ये इस साल का सूट है। बैम्बू में यही होता है कि हर साल का सूट मोटा आएगा। ये पुराना था जो कट जाना था, अभी इसकी सफाई करेंगे। ये पुराना है, ये पहले साल का है, ये जिस दिन लगाया था ये वो है। ये पहला, हाँ ये पहला है, ये पहला, ये पहला है, ये पहला है, ये फिर बाद के साल के हैं। ये रिवर्स हो रहा है, जो ये कटिंग पे आ चुका है, ये पिछले साल का, ये इस साल का है। ये जो हरा दिख रहा है इस साल का, जो येलो हो गया वो और पुराना, और पुराना। बहुत अच्छा बांस है येलो वलगरी भी, आपको इसी में नहीं अलग ढीरों में भी दिखेगा, वहाँ पर भी दिखेगा जो अभी सूट आ रहे हैं। ये डिजाइनिंग में, फर्नीचर में इनमें काम आता है। बहुत हेल्दी, ये लगभग गया होगा, ये 40-45 हाथ में नहीं आएगा, ये शोल्डर से मोटा है, बड़ा है। येलो वलगरी, ये डेकोरेशन डिजाइन में आएगा, अंदर से होलो है, थोड़ा ढीला है। टुल्डा के हिसाब से, हाँ टुल्डा का विकल्प कह सकते हैं, टुल्डा लगा लो, लॉन्जिस पैथस लगा लो, लेकिन टुल्डा अपने आप में है। टाइमिंग लेट है, अब 5 साल में ये कंडीशन है, अभी तो ये और मोटा होगा और लंबा होगा। हम येलो वलगर इसको कह सकते हैं कि अपने चरम पे आया है, इनको अभी नहीं बोल सकते, इनको अभी और 2 साल लगेंगे लॉन्जिस पैथस। इसके बाद में है वो टुल्डा है, ये जो है ये टुल्डा है, लगभग सिमिलर है, वो रनिंग निकलता है, दूर दूर से निकलता है। ये इस तरफ से आकर पाँच बार 2 रुपये लगाए तो चलेगा क्या? आप
इस सॉइल का टेक्सचर मुझे बतलाएंगे तो समझ में आएगा, क्योंकि बैम्बू ज़्यादा हाई डेंस में फिर पतला पतला आएगा। ये टुल्डा वेराइटी, ये इस साल का फूट है, 5 साल हो चुके हैं इसको भी। अब ना समझ लो कि 2 साल और लगेंगे हेल्दी मोटा आने में। अभी निकला नहीं, अभी निकला नहीं। आओ ये अभी प्ले करता हूँ, आई पकड़ देंगे इनमें। नहीं हाँ चलो इनके साथ। ये थोड़ा कटिंग अभी चालू किया था हल्का, आई लेकिन अंदर से थोड़ा होलो है। जितनी आंखें रहती ना यहाँ से चिप रहता है, दबा हुआ रहता है, जितनी आंखें रहती है दबा हुआ। बालकुआ ऐसा दबा हुआ नहीं मिलेगा, आप हाथ लगा के देखो उसको, दिख रहा है आंख के पास, वो ऐसा पंच दिखेगा पूरी लाइन मार्किंग। तो ये इसको फिर अलग करता है। अच्छा अच्छा, क्योंकि जब इसको सुखाएंगे तो वहां से क्रैक हो सकता है। बराबर, हर आंख के पास पंच है ना, पंच दिख रहा है। लग रहा है बाहर से दिखाऊंगा मैं, सामने जो पौधा है वो जाइजेंटियस है, बड़ा पत्ता, बहुत सुंदर पेड़ है, आपकी कमर के माफिक होगा चौड़ा और मोटा, लेकिन उसको 10 साल चाहिए। अच्छा। पानी वाली जगह चाहिए अपने पास। ठीक है, आप 10-20-50 पौधे लगा लो, बहुत सुंदर दिखेगा, लेकिन फार्मिंग करने में अगर हमारे पास सबर है तो सबसे अच्छा है। हमको 4 साल में अर्निंग चाहिए तो फिर उसको अवॉइड करना पड़ेगा। ठोस आएगा थोड़ा सा, जी वो उसमें लगा यहीं के भीतर से कटा हुआ है, उठला ये भी पता चलेगा ना, ये भी बालकू है, उठा करने पे समझ में आएगा। हेल्दी अंदर डेंस है, ये टाइट है। ये लगा हुआ 15x15 पे, ये क्या, हाँ लाइन से लाइन 15 है, पौधे से पौधा भी 15 है। अब ये बहुत ही हल्की ज़मीन है और पानी हमारे पास यहाँ पर केवल फरवरी तक कह सकते हैं, उसके बाद पानी नहीं है, मतलब जनवरी फरवरी लास्ट। हमने जहाँ तक अभी डाटा देखा तो हम ये समझ रहे कि यहाँ एक पौधा आना चाहिए, तो ये पूरा गैप फुलफिल हो और यहाँ का भी हमें सूट मिले। और ये जो 15 फीट है अभी इसकी सफाई होना है, ये फिर गैप बन जाएगा तो ये 12 पे आए। तो हमने जो अभी लेटेस्ट समझा है कि क्या साइज़ होना चाहिए, कई सारे प्लॉट लग चुके हैं, साइज़ की बहुत बड़ी एक है लाइन, और गवर्नमेंट के जो पुराने नॉर्म्स थे वो जंगलों के थे कि दूर दूर लगा दो, दूर दूर लगा दो, बराबर, मतलब जंगलों में भतेरी ज़मीन है, यहाँ पर एक पौधा लगाओ एक वहाँ लगाओ। लेकिन हमें फार्मिंग करना है तो फार्मिंग में इकोनॉमी और साथ साथ एक इस तरह का ग्राफ चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट कैसे ले सकें। अल्टीमेट तो वही है ना एम हमारा कि हम 2 पैसे ज़्यादा कैसे कमाएं। फार्मिंग करने का मतलब क्या है कि शुद्ध सात्विक तरीके से 2 पैसे कमाना। तो हमने अभी ये फाइनल लास्ट नतीजे पर पहुँचे कि 12x6 का जो ग्राफ है सबसे प्रीमियम ग्राफ है, 12 से अंदर आना ही नहीं है बाम्बू में। 12-14 कर सकते हो, लेकिन अब यहाँ पर सभी तरह की वैरायटी, मुझे तो 14 पे भी जाने का नहीं समझ में आ रहा है। 12 अब ये जो है ये 15 है, बीच में करोगे तो 7 आएगा, तो ये हमने 6 किया है कि 6-6-6 इसलिए किया है कि जैसे आपका विचार है कि बालकुआ लगाना है, बालकुआ सबसे अच्छा बांस मुझे लगता है, आपने भी देखा आपको भी समझ में आ रहा होगा कि सब में स्पीड उसकी है, बायोमास उसका है। उसमें एक माइनस पॉइंट है कि वो टिश्यू कल्चर का ही मिलेगा, वो सीड वाला मिलेगा नहीं। अब सीड वाला नहीं मिलेगा इसका मतलब कि टिश्यू कल्चर में स्ट्रेस फ्लावरिंग आ सकती है। तो ये जो 6 फीट में बता रहा हूँ
जनरल आप इसको 7-8 फीट ले सकते हो, 12x8 ले सकते हो, तो आपको 400 पौधे लगेंगे, 450 पौधे लगेंगे एकड़ पे। लेकिन मेरा कहना है 12x6 पे लगाओ, 605 पौधे एक एकड़ पे। अच्छा। अगर स्ट्रेस फ्लावरिंग में हमारे 25-50 पौधे जाते भी हैं तो हमारे एकड़ेज पर उत्पादन पे कोई फर्क नहीं आएगा। स्ट्रेस फ्लावरिंग में पौधा जा सकता है, टिश्यू कल्चर में वो है, मिथ है। तो उसके लिए हम बोल रहे हैं कि आप ज्यादा प्लांटेशन कर लो। आइए अब आप दोनों को सिमिलर देख सकते हो, ये है बालकुआ, ये है कटंगा। काका इधर देखो, इसमें आपको समझ में आएगा। अब ये भिर्रा है बालकुआ का, ठीक है, एक साथ लगा हुआ, एक दिन लगा हुआ एक ही जगह पर। ये भिर्रा है कटंगा का, पूरा ठस हो गया, डेंस हो गया है और चारों तरफ कांटे ही कांटे हैं। और कांटों का साइज भी देखोगे तो माशाल्लाह है, बहुत बड़ा है, मतलब बांस से हमें 10-12 फीट दूर खड़ा रहना पड़ेगा। और नीचे की आंखों की ब्रांचेस है, जबकि यहाँ छांव नहीं है, मतलब धूप नहीं है, छांव ही छांव है। तो कटंगा बांस अच्छा है, लेकिन ये इसका माइनस मार्किंग, अगर किसी को काटते आ जाए तो कटंगा तो बीज वाला मिलेगा जिसकी 70 साल की गारंटी है, तो सबसे अच्छा बांस हम बोल सकते हैं कटंगा, लेकिन काटने में बहुत दिक्कत है। तो वो चीज काटने वाली तकलीफ वाली है, उसके कारण हम इसको अवॉइड कर सकते हैं। ये भी सॉलिड बांस है, पूरा डेंस है, ज्यादा जगह रोक नहीं रहा है, एकदम सीधा तीर के माफिक चल रहा है, ठोस है पूरा, बल्ली के रूप में सुपर प्रीमियम काम में आएगा ऑलोवेरी। अभी आप टाइमिंग गिनोगे तो लगभग 50-60 पील मिलेंगे। अब अगर 50 पोल मिल रहे हैं 4 साल में, और ये 50 पोल बिकने लायक हैं, और एक पोल आप साइज देख लो, 40 फीट का है, 20 फीट का तो सुपर प्रीमियम ये जाने वाला है, नीचे का 100 रुपये में, ऊपर का 20 फीट जाने वाला है 50 रुपये में, 150 रुपये का एक पोल हुआ। मेरा ये मानना है कि ये कम से कम 100 रुपये का बिके तो भी आपका 5000 का भिर्रा है एक। पांचवा साल हुआ फिनिश, छठा चालू हो रहा है। मोटा मोटा एक भिर्रा एक साल का 1000 रुपये का हुआ, क्योंकि 5 साल में 5000 दे रहा है सर। ये मेरा अनगढ़ कैलकुलेशन बता रहा हूँ मैं। और एक एकड़ में आपने 600 पौधे लगाए हैं, 12x6 600 पौधे लगाए, 5000 का एक पौधा आपके पांचवे साल। ये चौथे साल भी कट सकता था, हमने काटा नहीं, ये कट सकता था, इसमें मैच्योरिटी आ गई थी, ये अर्ली है थोड़ा सा। तो हम ओलेवेरी पर भी जा सकते हैं पोल बेचने के लिए, ठोस है, एकदम डेंस है, होलो कम है। पानी कैसा लगता है इसमें? पानी इसमें लगेगा, एवरेज है, इसकी पत्तियां छोटी है, बहुत ज्यादा पानी नहीं लगेगा। बांस का सिंपल सा सूत्र है, जिस पौधे की पत्तियां सकरी उसको पानी लगेगा कम, जिस पौधे की पत्तियां चौड़ी उसको पानी लगेगा ज्यादा। सिंपल सी लाइन है बांस की, इसकी सकरी पत्तियां इसको पानी एवरेज लगता है, बहुत ज्यादा नहीं। ये भी आ रहा है, सीधा एकदम सीधा डेंस है, सीधा है और पास पास में है। इसमें एक ही गड़बड़ी होगी, इसलिए मैं इसको प्रिपेयर कम कर रहा हूँ। मतलब प्लस पॉइंट तो मैंने बताया है कि एक एकड़ कितने लाख का होगा, आप जोड़ लो, 600 पौधे हैं, 5000 का एक पौधा है। बोलने में तकलीफ है ना, पब्लिक को ऐसा लगेगा बलराम बहुत ज्यादा पैसे बता रहा है, लेकिन ये आंखों देखी रियलिटी है। रियलिटी सर, 3 लाख तो बन रहा है आराम से, है ना। 5000 × 600 तो 30 लाख बनते हैं, 3 लाख नहीं बनते, वो एक्सेप्ट नहीं करता ना माइंड हमारा कि एक एकड़ में 30 लाख बन सकता है क्या। समझने वाली बात बता रहा हूँ सर, मैं इसलिए कैलकुलेटर निकाल के बता रहा हूँ क्योंकि आपके माइंड में 3 ही लाख आया होगा, क्योंकि खेती से कभी 30 लाख एक एकड़ में आएगा नहीं, ऐसा हमारा दिमाग सेट हो चुका है। इसलिए मैंने कैलकुलेटर निकाल के 5000 × 600 तो 30 लाख आता है। 25 ही पकड़ा ना। समझ में आया ना भैया? अरे मैं बोल रहा हूँ इसका 10% आना, बात हो, समझ रहे हो, 3 लाख एक एकड़ में से आ जाना, बहुत हो गया, ठीक है ना।
अभी 50,000 किसान को कमाने में तकलीफ है, नहीं कमा पा रहा है वो, बहुत तकलीफ है, मैं इसलिए उसको तकलीफ बोलता हूँ। और अब ये इतनी पत्तियां ले ले करके ये ऑटोमेशन पे आ गया। इसमें एक ही माइनस है कि आपको जब कटिंग करना पड़ेगा तो नया पुराना सब कटेगा, आप इसको छटनी नहीं कर सकते। और वो माइनस के कारण भिर्रे खराब होते हैं, क्योंकि बांस को काटने के लिए टेक्निक है। जैसे पहला आया, फिर दूसरा आया, फिर दादाजी आया, फिर पोता आया, तो जो अभी आया है वो यंगेस्ट है, बालपन है। जो पिछले साल था वो जवान होकर अब प्रौढ़ की अवस्था में, उसके पिछले साल का प्रौढ़ था और फिर दादाजी नानाजी थे, तो दादाजी नानाजी प्रौढ़ कटेगा। इस साल वाला पिछले साल वला बचेगा, इसमें से छटनी करेंगे तो बाहर का ही कटेगा ना, ये तो नए हैं, पुराना अंदर का रह जाएगा। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, एक को काटा फिर अंदर हाथ लेकर के काटा, फिर दूसरे को साइड से काटा, तो टेक्निकली करना पड़ेगा, टेक्निकली बस इतना सा इसका माइनस है। और ये माइनस बहुत बड़ा है, क्योंकि अगर हमने नए को काट दिया तो उसके बाहर का पोल आएगा नहीं, आपका भिर्रा खराब होगा। इसलिए एग्रोनॉमिस्ट इसको प्रिफेर कम कर रहे हैं, जबकि सबसे बेस्ट है ये। अभी आप पूरे सिस्टम में देखोगे तो ओलावेरी आपको सबसे बेस्ट लगेगा, एकदम क्लीन भी लग रहा है, कम जगह लग रही है, कम जगह, मतलब हम पास में खड़ा होना है यार, कौन से पास के इतने पास खड़े हो, वो ब्रांचेस निकलती रहती है। इसकी आंखें ढकी हुई है, ये इसका कफ लगा हुआ है, इसकी आंखें ढकी हुई है, बहुत अच्छा बांस है। लेकिन विकल्प निकालेंगे, मैंने टेक्निक के कई सारे वीडियोज डाले हैं कि आपको बांस काटना कैसे है। जैसे अभी मैंने एक मिनट में बताया आपको कि दादा पापा कटेंगे, बड़ा भाई छोटा भाई बचेगा, और यंगेस्ट जो बेबी है वो भी बचेगा, ये इसकी परिभाषा है, ऐसे देखकर काटना है। तो अब इसका भिर्रा का साफ सफाई होना है तो वो छटनी कर करके करना पड़ेगा। आइए, बहुत संभावना करना पड़ेगा। अब इसको अगर 15 फीट पे लगा, इसको आप 10 फीट पे लगा सकते हो। देखो ये 15 पे है, कितना गैप है। हालांकि इसको 10 प्रेफर हम इसलिए नहीं करते कि अंदर धूप आ जाए, तो ये मोटा होगा। इसको आप 12x6 पे करोगे ना मजा आएगा। आइए, बस इसको काटने का सोर्सेस समझना है कि अगले साल वापस ये रीफुटाव ऐसा ही करे, तो कटिंग पर ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ से भी न्यूटन से शिक्षक है, मैनुअल है, ये मैनुअल है, ये शिक्षक है, इसकी हाइट इतनी रहेगी, ज्यादा हाइट नहीं जाएगी, ज्यादा नहीं बढ़ रहा है, साइज में इतनी रहेगा, साइज में पहले वहां पर देखा, हाँ आएगा नहीं, सारा का सारा आएगा आपके पास। ये जो हमने शुरुआत में देखा ब्रांडी साइज, ये ब्रांडी ये वही है, आओ इसको ज्यादा पानी लगेगा। ये बालकुआ के कटन है, इस पोल को हाथ लगाओगे, इस साल का है, इसका पत्तल दोना बना सकते हो डिस्पोजल, ये इस साल का पोल है, तो बहुत बार पूरा ठोस जी, वो ऐसे है ना, पत्र बनू शकते, द्रोण बनू शकते, फक्त सर सांगता है तुम्हाला एक 50,000 हजाराची मशीन आणावी लागेल। 1,00,000 के अंदर छोटी सी डाई आती है मशीन, इसको पानी में साफ कर लो, धो लो, तो ये नम हो जाएगा। नरम को उस डाई में रखो, ऊपर से प्रेस करेगा, ये कटोरी पत्तल दोना बन जाएगा, निकाला डिस्पोजल देने के लिए तैयार। प्लास्टिक डिस्पोजल बैन हो रहे हैं, हम भी प्लास्टिक यूज नहीं कर रहे हैं। बड़ा साइज हो बड़ी कटोरी बनाओ, छोटा साइज हो कटोरी छोटी बनाओ, प्लेट्स बनाओ, ये रेडीमेड है। हम पहले ऐसे ही यूज करते थे, प्लास्टिक बीच में आया, आप समझ में आया कि प्लास्टिक गड़बड़ है। ये अभी 80 साल से थोड़ा बढ़ गया, थोड़ा पैरों में देखना पड़ेगा, ये कटिंग किया हुआ है, तो इसका सिमिलर है एस्पर, इसके थोड़े से रोएं दिखते हैं यहाँ पर, अगर पास मिलो इसके रोएं दिखेंगे, रोएं ब्रांडी साई में रोएं नहीं आएंगे, ये व्हाइट 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 व्हाइट,
बहुत सुंदर बांस है, ये मेरी जांग के माफिक मोटा होगा, लेकिन वही बात है कि 7 से 8 साल लेगा, अभी 5 साल हो चुके हैं। चूंकि ये जो साइड है, ये जमीन जो है, यहाँ पर मिट्टी कम है, कंकर पत्थर रेत ज्यादा है, इसलिए वो पकड़ उसके हिसाब से बेस्ट है, जमीन के हिसाब से बेस्ट है, लेकिन फार्मर के जेब में 2 पैसे जाने के हिसाब से धीमा है, थोड़ा और स्पीड होना चाहिए। बांबू को कुछ होता नहीं, ये वापस हरा भरा है और पूरा का पूरा वैसा का वैसा है, कोई दिक्कत नहीं। ये सारे फायर हो चुके हैं। ये बांस है ब्लैक बांबू, इसका फर्नीचर बनता है, जितना पुराना होगा उतना काला होगा, उतना काला होगा। ये इस साल का है तो हरा है, जी जी। ये हर साल वाले जितने आएंगे ना उनके सबके ये पत्तल धोने में काम में आएगा, आप देखो कितना फिनिश है। ये इस साल का है, हाँ इस साल का। हर पेरी में आपकी केप निकलेगी, अगर 40 फीट का है 40 तो 40 केप निकलेगी। अब ये 2 रुपए में बेचा था, 80 रुपए का तो यही हो गया ना आपका बम्बू का। अभी बम्बू नहीं बेचा है आपने, केवल केप निकाल करके उसका बनाया, डिस्पोजल बनाया। ये बांसुरी का बांसुरी है, इसकी बांसुरी बनती है। ये बुद्धा बांस बोलते हैं, और ये साइड वाला है चाइनीज पेंटिंग, ये अपने हाथ ही लगा है, हाँ चाइनीज पेंटिंग है। छोटे पौधे आइए, वेलकम।